हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? और आज हो रही है बाहर बारिश, क्योंकि ये बारिश तो सभी जगह बताई गई थी और थोड़ा सा ठंडा भी लग रहा है। और सब मैंने आज हाफ अस्तीन पहना हुआ है, और वो कहा, मैंने उससे कहा थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तो फुल अस्तीन पहन ले, तो उसने मना कर दिया। देखिए, आप भी सौम्या से बात कीजिए, बोलो। हेलो। आज अम्मा ने मेला धोना है एक ये क्या चीज़ है? ये इसको बस इतने छोटे छोटे से टैडी मिल जाए तो ये इसे बहुत पसंद आते हैं, टैडी। तो गुड मॉर्निंग तो बोलो, कैसे गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हैं आप? और मेला चलता है? जॉर्ज भी है इसके पास, एक छोटा सा, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। तो गाइस, आज बनी है तोरे की सब्जी। तोरे की सब्जी भी बहुत ही चटपटी बनी है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा। आज बन रही है, और आज बन रही है कढ़ी, बेसन की पकौड़ी वाली कढ़ी। तो चलिए देखते हैं, नॉर्मली आप बनाते ही होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लिए कढ़ाई, और उसमें ले लिया है रिफाइंड। अब हम इसमें हल्की हल्की करके अपनी पकौड़ी डाल देंगे, और बिल्कुल हल्की आँच में इसे पकाएंगे। हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो भी तल के तैयार हो गई, अब हम इसे निकाल लेते हैं। मैंने क्या करा है, एक बर्तन में एक बड़ा चम्मच जो होता है वो बेसन लिया। अब मैं इसी में डाल दूँगी हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया और थोड़ा सा हींग, और इसे फैट लूँगी। देखिए, मैंने सारे मसाले डाल लिए। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको फैट लेती हूँ। देखिए गाइस, ये मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया है। मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है, सिर्फ आधा ग्लास पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया। अब ये लिया है मैंने आधा कटर और दही। अब मैं इसे पहले फैट लूँगी, फिर इसमें पानी डालूँगी। देखिए ये फिट चुके हैं। अब मैं इसमें एक गिलास भर के पानी डाल देती हूँ, और इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। क्या करेंगे, पहले हम अपना बेसन डालेंगे, फिर उसके ऊपर जो है हमने दही फैट के बना रखा है इसको डालेंगे। मैंने वही पकौड़ी वाले तेल को थोड़ा सा कम कर लिया। अब इसमें डाल देती हूँ मैं हींग, मेथी दाना, और डालूंगी जीरा, और डालूंगी दो सूखी लाल मिर्च। कई लोग बताते हैं कि हमारी जो पकौड़ी है वो बिल्कुल कढ़ाई में डालते ही, जब हम बेसन के घोल में डालते हैं तो बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना है, 5 मिनट पहले इसे गर्म पानी में सारी पकौड़ियों को भिगा देना है, जिससे क्या होगा, हमारी पकौड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, और जब हम इसे कढ़ी में डालेंगे तो बहुत अच्छा इसका टेक्स्चर आएगा और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए, मसाला वगैरह अच्छे तरह से भून चुका है। मैं इसमें थोड़ा बेसन डाल दूँगी, और फिर इसी के ऊपर से दही का जो मिश्रण बनाया था वो भी डाल दूंगी, और इसे 5 मिनट तक का ऐसे हमें तेज़ आंच पर इसे मिला लेना है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि दही डालते ही हमारी जो कढ़ी है वो फट जाती है। नमक तो हमने पहले से डाल रखा था। अब हम इसे 5 मिनट तक का ऐसे ही, जब तक का इसमें बॉयल नहीं आ जाता तब तक हम इसे ऐसे चलाते रहेंगे, इससे आपकी कढ़ी फटेगी भी नहीं और अच्छा टेस्ट भी आएगा। सौम्या आई है मुझसे पकौड़ी मांगने के लिए, और मैंने सारी पकौड़ी भिगा दी है। सौम्या, आप क्या मांगने आई थी? पकौड़ी। अब तो मैंने तो सारी पकौड़ी भिगा दी, अब क्या करना है? मुझे पहले कुछ चाहिए। अब उसे कढ़ी से चाहिए पकौड़ी। देखिए, कढ़ी में अच्छा खासा उबाल आ रहा है। देखिए, बिल्कुल कढ़ी जो है वो फटी नहीं है। तो आप भी इसी ट्रिक से बनाइए कढ़ी, बहुत टेस्टी बनेगी आपकी। तो अब हम इसे एक दो उबाल आने देते हैं, फिर इसमें और पानी ऐड करेंगे, क्योंकि कढ़ी में जितना ज़्यादा पानी ऐड हो और वो उतनी ज़्यादा अच्छी पकती है। देखिए, इसमें 2-3 उबाल बहुत बढ़िया तरह आ गया। अब हम इसमें आधा जो ये जग जैसा है इतना हम इसमें पानी डाल देंगे, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम उबाल आने देंगे, और 10 से 15 मिनट तक इसे हम पकाने के लिए छोड़ देते हैं। और सौम्या,
फिर से आ गई है पकौड़ी मांगने। सौम्या क्या चाहिए? मुझे पहले टू पकौड़ी चाहिए। टू पकौड़ी चाहिए सौम्या को। देखिए गाइस, जो हमारी पकौड़ी है वो भी अच्छी तरह भीग चुके हैं। अब हम इसे बिना निचोड़ के एक छन्नी में छानने के लिए रख देते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें नमक थोड़ा सा कम हो चुका होगा, क्योंकि हमने पानी भी और ऐड करा है, तो हम इसमें और नमक ऐड कर देते हैं। पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी, फोर पकौड़ी, वो सौम्या है जो पकौड़ी मांगने आई है। मुझे दिया। क्या दिया मैंने तुम्हें? पकौड़ी? हाँ, छोटी सी पकौड़ी दी है। अब हम क्या करेंगे, इसी में अपनी जो हमने पकौड़ी बनाई है वो भी इसी में ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा ये कड़ी का रस है वो भी पकौड़ी के अंदर मिल जाएगा और जो हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया पकौड़ियाँ जो हैं वो तैर रही हैं उसके अंदर। देखिएगा बन के तैयार हो गई है कड़ी पकौड़े। अब हम इसमें डाल देते हैं धनिया और एक मैं पकौड़ी आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया सॉफ्ट पकौड़ी बनी है। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट इसका पकौड़ा बना था। तो आप भी इसी तरह कड़ी पकौड़ा बनाइए और इसके साथ चावल जरूर सर्व करिए। और हमने बनाई थी तोरे की सब्जी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी। अब हम मिलते हैं आपको दिन में। देखिए गाइस बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़ी बनी है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आप भी ऐसी मेरी तरह कड़ी की पकौड़ा बना के देखिए। और मुझे इविनन दाना तना है। क्या खेलना चाहती हो? इविनन। इविनन क्या होता है? गेम। कौन सा गेम? इविनन वाला नहीं, कौन सा? इविनन खेलेंगे। अरे इविनन फ्री फायर। इविनन फ्री फायर। इविनन फ्री फायर। इविनन फ्री फायर। अरे इविनन फ्री फायर। इविनन फ्री फायर। दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। कह रहा है इविनन, पता नहीं कौन सा गेम है, दादा दादी ग्रैनी वाला, और एक कह रहा है फ्री फायर। देखते हैं कौन जीतता है। कौन जीतेगा? मैं तो दंदी इविनन। मैं खेल रहा हूं फ्री फायर। और सौम्य आप कौन सा डाउनलोड करोगी? इविनन वाला। उसमें कौन आती है? तो सौम्या आपके हाथ में क्या है? ये खरबूजा। खरबूजा कौन सा कलर का है? खरबूजा ऑरेंज। ऑरेंज। अब आप क्या करोगी इसका? ऑरेंजन ऑपरेशन। क्यों ऑपरेशन करके क्या करोगी? फेंको इसे। सौम्या खरबूजे से खेल कर रही है। देखो ना फिर उसमें देख। नानी आएगी अभी। नानी और तू फ्री फायर भी नहीं खेलती? और इसमें कैसे पता चलता है कि नानी आने वाली है? फुटस्टेप्स आ गए। अभी नहीं आई, हमने कुछ फोन लगा, अब आएगी नानी। अब नानी आने वाली है और दोनों का रिएक्शन कैसे होता है? हाँ नानी वाले आ रही। ये झाड़ू से खोल वो आ गई। वो मारियो मत। ए यार मार डाला। देखिए गाइस बज रहे हैं शाम के 4 और मिल गए हम आपसे दिन में भी। और देखिए शाम का हो रहा है नाश्ता पानी। अभी क्या क्या बनाया हुआ है? क्या क्या खा रहे हो? फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बना हुआ है आज शाम के लिए। वही मैंने आपसे कहा था ना शॉर्ट वीडियो में, दिन भर किचन में और बर्तन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मैं और बनाऊं रात तक। देखिए बनाए फ्राइड राइस, सारी मिक्स वेजिटेबल्स, और इधर बन रही है चाय।
चाय पी लो, आ जाओ। देखिए आज बाहर हो रही है बारिश और आज सारे कपड़े जो है वो अंदर ही बिस्तर पे सजाए गए हैं। देखिए कुछ कुर्सी पे सजे हैं, कुछ बिस्तर पे सजे हैं। तो गाइस बाहर हो रही है बारिश, सुबह से लगातार बारिश ही चालू है और कपड़े भी घर के अंदर सूख रहे हैं। और देखिए शाम तक का हालत कैसी हो जाती है सभी की। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और वैक्सीन ज़रूर लगाइए।